शहर के GMVSN गेस्ट हाउस में आइसोलेशन सेंटर बनाए जाने का नगरवासियों ने विरोध किया। मंगलवार को नगरवासियों ने सामाजिक कार्यकर्ता मोहन राम टमटा के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी गैर सिरण के कौसंध मिश्र से मुलाकात कर फैसिलिटी क्वारंटीन सेंटर को आबादी से बाहर बनाए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि GMVN पर्यटन आवास गृह आवासीय कॉलोनी के मध्य स्थित है, जहाँ कोरोना संभावित प्रवासियों को रखे जाने से संक्रमण की संभावना बनी हुई है। कहा गया कि इसके चलते नगर में दहशत का वातावरण बना हुआ है। मामले में SGM गैर सैन ने आश्वस्त किया कि भविष्य में किसी भी प्रवासी को MVN में क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। बताया कि भारी सैन परिसर को सैनिटाइज किया जाने के कारण GMVN को फिलहाल क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील किया गया है, जो अस्थायी है। हमने माननीय उपजिलाधिकारी महोदय को जो COVID-19 के पॉजिटिव केस गढ़वाल विकास निगम में रखे गए थे और आवासीय इलाके के बीच में गढ़वाल मंडल विकास निगम में ये केस रखे गए थे, उनको आइसोलेट करने के लिए हमने अन्यत्र किसी जगह के लिए SDM साहब को एक ज्ञापन दिया है। हमने हमारा कहना यह है कि भराड़ीसैंण में पर्याप्त जगह है और आवासीय कॉलोनी के बीच में से उठा कर करके वहाँ पर पॉजिटिव COVID-19 के पॉजिटिव केस जो है वहाँ पर इनको शिफ्ट किया जाए, और आने वाले समय में अगर बाहर से भी अगर कोई ऐसे केस आते हैं पॉजिटिव केस आते हैं उनको भराड़ी शहर में ही जो है शिफ्ट किया जाए, आवासीय इलाकों में न कर किया जाए। में कुछ लोगों को रखा गया था, उसको लोगों को कहना है कि थोड़ा सा बाजार के पास पड़ रहा है, जबकि मैंने उनको समझाया कि ऐसा कोई विषय नहीं है, बाजार बाद में, पहले मेरा आवास पास पड़ता है। निश्चित तौर से ऐसा काल चल रहा है कि कभी कभी कुछ भ्रांतियाँ मस्तिष्क में आ जाती हैं, तो हमने उनको समझा भी दिया है और लोग संतुष्ट होके गए हैं। जो यथासंभव सर्वोत्तम विकल्प है उसका उपयोग करेंगे, लोग संतुष्ट हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। उनके मन में कोई भाव था तो वो अपनी बात कहना चाह रहे थे, मैंने उस पर उनको सकारात्मक बोल दिया है, तो निश्चित तौर से कोई दिक्कत नहीं।